टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की जो सीरीज है उसमें हम अब कंटिन्यू करते हैं और हमारे सारे इंपॉर्टेंट वर्ड धीरे धीरे होते जा रहे हैं और ये आप नोट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं तो एग्जामिनेशंस में आपके बेस्ट मार्क आएंगे। क्लियर है? तो अपने बेस्ट मार्क्स के लिए जो है आप बिल्कुल रेडी हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 147 में लिखा हुआ है स्यूडोनिम। ध्यान रहे इसमें पी से स्टार्ट होता है और पी वर्ड हमारा साइलेंट होता है और स्यूडोनिम का अर्थ होता है काल्पनिक या दूसरी हिंदी भाषा में इसे छद्म भी कहते हैं। एन इमेजिनरी नेम, एक काल्पनिक नाम एज्यूम्ड बाय अ पोएट और ऑथर, एक कवि या ऑथर द्वारा लिया जाने वाला। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है क्वैक, QUACK, क्वैक। तो क्वैक मतलब होता है झोला छाप डॉक्टर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको वैद्य भी कहते हैं लेकिन वैद्य जो है आपका अनप्रोफेशनल के सेंस में आ जाता है, लेकिन क्वैक शब्द जो है आपका झोला छाप डॉक्टर, यानी वन हु फॉल्सली प्रिटेंड्स स्किल इन मेडिसिन, जो मेडिसिन में स्किल का बहाना करता है और कैसा, झूठा बहाना, तो उसे हम क्वैक कहते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वर्ड है क्वारंटाइन। पहले ये अनफैमिलियर वर्ड था और आई थिंक कोरोना आफ्टर तो सभी लोग इसे फैमिलियर हो चुके हैं। तो क्वारंटाइन मतलब होता है इन्फोर्स्ड आइसोलेशन, जबरदस्ती का आइसोलेशन, अलग किया जाना, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज, डिजीज को रोकने से, फैलने से रोकने के लिए। क्लियर है? तो क्वारंटाइन शब्द जो है वो आपका क्वार्टर यानी कि चौथाई है ना, 14 दिनों से बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है क्यूजोटिक, विदेशी। वन हु इज सिवेलरस, जो आपका सिवेलरस है, आइडियलिस्टिक है एंड अनप्रैक्टिकल है, यानी कि काल्पनिक, अव्यवहारिक। तो क्यूजॉटिक प्रोजेक्ट्स होते हैं यानी अव्यवहारिक कल्पनाएं या परिकल्पना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रिबट, REBUT, टू प्रेजेंट अपोजिंग आर्गुमेंट्स और एविडेंस, किसी भी आर्गुमेंट या एविडेंस का अपोज करना, और रिबट को हिंदी अर्थ में कहा जाता है खंडन करना। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड रेक्लूस। रेक्लूस मतलब होता है सन्यासी, पर्सन लिविंग इन सेक्लूजन, सेक्लूजन मतलब होता है अलग, और आइसोलेशन भी अलग। तो ऐसे पर्सन को जो अलग रहते हैं, समाज से पृथक रहते हैं, उन्हें हम रेक्लूस यानी सन्यासी कहते हैं। और ये हर्मिट सिनोनिम है आपका, हर्मिट मतलब साधु होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म मतलब होता है एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी, अत्यधिक ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, स्पेशली इन पब्लिक बिजनेस, जनता के कार्यों में, बिजनेस मतलब यहां कार्य से निकाला गया। तो रेड टैपिज्म को इसका हिंदी ट्रांसलेशन में लाल फीताशाही कहते हैं। अर्थ के तौर पे इसको कहा जाता है कि ढीला ढाली से अफसरशाही का कार्य। ओके, नेक्स्ट वर्ड है रेजिसाइड, अगेन CID, मर्डर, रेजी किंग, तो किलिंग ऑफ वंस किंग, राजा की हत्या। यहां ध्यान रहे रानी वर्ड भी आप लिख सकते हैं, किंग और क्वीन, तो किंग और क्वीन का किलिंग, मर्डर करना ही आपका रेजिसाइड वर्ड है। वन वर्ड में इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक, REMUNERATION। तो रेम्यूनरेशन मतलब होता है पारिश्रमिक, यानी द सम पेड अमाउंट, भुगतान करना टू अ मैन, किसी व्यक्ति को, फॉर हिज लेबर, उसके परिश्रम के बदले में। ठीक है, और ये जो फॉर वर्ड है, इस फॉर का मतलब के लिए नहीं निकालना है आपको, फॉर मतलब होता है के बदले में। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है रेटिक्यूल। हम लोगों ने पढ़ा था पार्सोल, पार्सोल मतलब होता है अम्ब्रेला, और रेटिक्यूल मतलब होता है लेडी पर्स, तो लेडी पर्स यहां पे। क्लियर है?
चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड है सीथ, एस एच ई ए टी एच। तो सीथ मतलब होता है अ केस इन विच द स्वॉर्ड इज कैप्ट, यानी म्यान, वह केस जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो तलवार को रखने वाला स्थान क्या कहलाता है हमारा हिंदी में म्यान और इंग्लिश में सीथ। ओके नाउ नेक्स्ट वर्ड है साइनिक्योर। साइनिक्योर मतलब होता है एन ऑफिस, एक ऐसा ऑफिस फॉर विच हाई सैलरी इज पेड, बड़ा भुगतान किया जाता है, फॉर लिटिल वर्क और नो वर्क, बहुत थोड़े से काम के लिए या फिर किसी भी काम के लिए नहीं। हाँ यहां पे जो लिटिल वर्ड आया है, देखिए हमारे तीन वर्ड होते हैं, एक होता है लिटिल ना के बराबर, अ लिटिल संभावना में हाँ के बराबर, और तीसरा होता है द लिटिल, यानी जितना है उतना सब कुछ लगभग। तो साइनिक्योर मतलब होता है कि ऐसा कोई भी कार्य जो अधिक भुगतान करता है किसी मामूली से कार्य के लिए या बिना किसी काम के बदले। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है स्केप्टिक। स्केप्टिक मतलब होता है शंकालु, शंका करने वाला। अ पर्सन हु डाउट्स, एक व्यक्ति जो संदेह कर रहा है। द ट्रुथ ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्राइन, धार्मिक सिद्धांतों का। तो जो धार्मिक विश्वास, धार्मिक सिद्धांतों, मान्यताओं की सत्यता पर संदेह करता है उसे हम स्केप्टिक कहते हैं, शंकालु व्यक्ति। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सोलर। देखिए पिछले टर्म पे हमने पढ़ा था लूनर, तो लूनर मतलब होता है चंद्रमा से संबंधित, और सोलर मतलब होता है सूरज से संबंधित। तो सोलर पावर, सोलर एनर्जी, सोलर इक्लिप्स। क्लियर है। तो रिलेटेड टू सन, थोड़ा यहां गलत है। तो सोलर मतलब रिलेटेड टू सन, और मीनिंग होना चाहिए सोलर इक्लिप्स या इक्लिप्स ऑफ द सन। ओके चलिए नाउ 61 पे वर्ड है हमारा सोमनाम्बुलिस्ट। तो सोमनाम्बुलिस्ट मतलब होता है कि वन हु वॉक्स इन वन्स स्लीप, वह व्यक्ति जो अपनी नींद में चलता है। तो ध्यान रहे इसमें वर्ड क्या आया है, सोमना फॉर स्लीप है, और एम्बल मतलब होता है वॉक, और लिस्ट मतलब आई एस टी, इस्ट मतलब पर्सन। तो वो व्यक्ति जो नींद में चलता है, जो नींद में चलता है उसे हम सोमना ब्लिस्ट कहते हैं, यानी नींद में चलने वाला। नेक्स्ट वर्ड है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब होता है कि वन हु स्पेंड्स मनी एक्स्ट्रावेजेंटली, जो फिजूल में, एक्स्ट्रावेजेंटली फिजूल में पैसे खर्च करता है, फिजूल खर्ची पर्सन को हम लोग कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। और यही इसी का अपोजिट होता है माइजर। माइजर मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। ओके नाउ नेक्स्ट वर्ड इज स्पिंटर, स्पिंस्टर। स्पिंस्टर मतलब होता है अ वुमेन हु हैज नेवर मैरिड, एक ऐसी महिला या अधेड़ महिला जिसने विवाह ना किया हो, उसे हम कहते हैं स्पिंस्टर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज स्टोइक। स्टोइक मतलब वन हु इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन टू प्लेजर एंड पेन, वह व्यक्ति जो खुशी और दुख से दोनों से ही इनडिफरेंट होता है, उदासीन अर्थात कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम स्टोइक कहते हैं। स्टोइक का हिंदी अर्थ निकालेंगे तो अर्थ निकलेगा सुख दुख समान समझने वाला। क्लियर है। चलिए नाउ नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रॉल करना, अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज, छोटी सी टहलना या चहलकदमी करना स्ट्रॉल होता है। ठीक है, स्ट्रॉलिंग करने मतलब होता है चहलकदमी करना। क्लियर, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं सुपर एनुएटेड। सुपर एनुएटेड पर्सन क्या है, तो रिटायर्ड ऑन अकाउंट ऑफ एज, एज के कारण रिटायरमेंट होना, और यूजुअली विद पेंशन, और जो पेंशन के साथ रिटायर होता है उसे हम सुपर एनुएटेड कहते हैं। चार्ल्स डिकेंस वॉज एंड सुपर एनुएटेड, या चार्ल्स लैम्ब वॉज सुपर एनुएटेड। क्लियर है जी, चार्ल्स लैम्ब इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सरोगेट।
तो सरोगेट मदर, आई थिंक बहुत लोगों ने अब सुन रखा है कि समवन हु टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर पर्सन, तो सरोगेट करना मतलब कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे के स्थान पर अपनी सेवा देता है, अपना कार्य करता है, उसे हम सरोगेट कहते हैं। तो सरोगेट मदर कॉमन वर्ड है, आप शायद जानते भी होंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट वर्ड, इसमें स्पेलिंग आती है एस यू डबल आर ओ, डबल आर पे बी अवेयर। ओके नाउ नेक्स्ट वर्ड सर्विलांस। अब सर्विलांस वर्ड भी आपका नॉर्मल मीनिंग में सभी को आता है, जस्ट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पेलिंग पर्पज। एस यू आर वी ई आई डबल एल ए एन सी, सर्विलांस मतलब होता है निरीक्षण, क्लोज ऑब्जर्वेशन, गहन जांच ऑफ अ पर्सन ऑफ और ग्रुप, किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था की निगरानी। क्लियर है। नेक्स्ट 169 में वर्ड है स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग मतलब अ पर्सन्स लास्ट अटरेंस और वर्क, एक व्यक्ति द्वारा अंतिम समय में दिया गया भाषण या बात या वर्क रचना। ध्यान रहे वर्क आपका रचना के लिए आता है। द टेम्पेस्ट वॉज स्वान सॉन्ग ऑफ विलियम शेक्सपियर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज साइनोड। साइनोड मतलब अ काउंसिल, एक काउंसिल कन्वीन्ड। कन्वीन्ड मतलब होता है सभा बुलाना। कन्वीन्ड मतलब सभा बुलाना, तो अ काउंसिल कन्वीन्ड, एक काउंसिल सभा बुलाई गई टू डिस्कस, किस बात के लिए, तो इक्लेस्टिकल बिजनेस। इक्लेस्टिकल मतलब होता है धार्मिक और बिजनेस मतलब होता है कार्य, तो धार्मिक कार्य के लिए सभा बुलाई जाती है जिसे धर्म सभा कहते हैं, वो आपकी मीनिंग होती है साइनोड। क्लियर है। ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।